झटपट 5 मिनट में आप गर्मा गर्म क्या बनाएं ब्रेकफास्ट और इवनिंग में। आज हम वही रेसिपी लेके आए हैं, इसका नाम है सरप्राइज ब्रेड एंड वी आर गोइंग टू डू दिस विद द लवली मॉम हेयर एंड द फाउंडर ऑफ जायका का तड़का। उनके संग हम बना रहे हैं सरप्राइज ब्रेड की रेसिपी। सो मॉम स्टार्ट करें रेसिपी। ब्रेड के पीस लिए हैं मैंने, कोई भी ब्रेड जो भी आप खाते हैं, तो इसको मैं कट कर रही हूँ, राउंड शेप में कट कर रही हूँ। आप किसी भी कटोरी से या कटर से किसी से भी आप इसको कट कर लीजिए। ये देखिए, सो ये मॉम बचपन में हमारे लिए बनाती थी, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसका नाम सरप्राइज ब्रेड है। अभी हम आपको बताएंगे कि वो नाम कैसे आया है इस रेसिपी का। अब हम इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। ये मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिए, 2 मीडियम साइज के 2 बॉइल्ड पोटैटो है, वो मैं इसमें डाल दी हूँ। इसको मैश कर लिया है। 2 चॉप्ड अनियन है, बारीक चॉप कर लिया अनियन को, 2 टेबल स्पून ले लिया। ये धनिया पत्ती है, ये ग्रीन चिली और जिंजर है, 1/2 इंची जिंजर का टुकड़ा, ग्रीन चिली है। ये थोड़ी सी मैं तीनों कलर की कैप्सिकम है तो कलरफुल बनेगी अपने ब्रेड, वो डाल दूँ थोड़ी। आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ये जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, ये ब्लैक सॉल्ट है। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। तो देखिए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि अनएडिटेड वीडियोस हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, जैसा है वैसा ही हम आपके सामने लेके आते हैं। सो इस वीडियो में हमारी गारंटी है, जो आपको दिख रहा है वही आपकी किचन में भी बनेगा। यही USP है जायका का तड़का की, जो दिखता है वही बनता है। अच्छा, इसमें ब्रेड के जो राउंड मैंने पीस काटे, इसमें एक साइड में हम ये मसाला जो तैयार किया वो लगाएंगे, एक साइड में ये मैंने सूजी लिया है, हाफ बॉल सूजी लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून कर्ड डाला है और नमक डाला है। इसको 10 मिनट के लिए मैंने सोक होने के लिए रख दिया है, तो ये इडली का बैटर तैयार हो गया। ये सो मॉम, ये बारीक सूजी लिए नॉर्मल या मोटी? नहीं, दोनों चलेगी, नॉर्मल और जो आती है बारीक, दोनों ही चल जाएगी। अपन इडली बनाते ही इससे, कोई सी भी ले लीजिए आप। अब ये देखिए, जो हमारी राउंड ब्रेड है, ये हम इसमें अब ये मसाला जो आलू का तैयार किया है वो हम लगाएंगे चारों तरफ अच्छे से, इक्वल लगा लीजिए। ये इसमें भी लगा लेते हैं और एक साइड हम इडली का बैटर लगाएंगे इसमें। फिर ये इसमें मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, वो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसमें, वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। अब जो ये आलू वाली साइड है इसको हम नीचे रखेंगे पैन की तरफ और अच्छे से इसको दबा दबा के थोड़ा सा प्रेस करके और फिर लगाना है, अदरवाइज मसाला निकल जाएगा। अब इसमें हम ऊपर ये इडली का जो बैटर तैयार किया है वो हम स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, तो इसको सरप्राइज ब्रेड इसलिए बोलते हैं कि एक तरफ तो आलू सैंडविच जैसा लगेगा और दूसरी तरफ इडली जैसा, ब्रेड भी दिखेगी, ब्रेड बीच में रहेगी। सो ये देखिए, ब्रेड सरप्राइज ब्रेड, इडली का इडली और आलू के सैंडविच हो गए। दिस इज एन अमेजिंगली क्रिएटिव रेसिपी। उसी पर फ्लेम पर होगी है, अब इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि स्टीम से अपनी इडली कुक हो जाएगी। ये लगेंगे 7 to 8 मिनट लगेंगे, 7 to 8 मिनट इडली में जैसे टाइम लगता है कुक होने में, क्योंकि इडली का ही बैटर है ये। सो स्लो फ्लेम पे अब हम इसको 7 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। तो देखिए, अब हमारे 7 से 8 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट स्टीम होते हुए, तो आपकी फूल गई है इडली जैसे, देखिए ब्रेड, देखिए ये फूल गई है हमारी इडली। अब हम ये निकाल लेते हैं फिर इसमें तड़का लगाएंगे। आप इसको बीच बीच में भी एक बार चेक करते रहिएगा। तो अब हमारे आलू सिक चुके हैं उस साइड से, दूसरी साइड से, और हमारी इडली बन चुकी है। अभी मैंने पैन रख दिया है, इसमें हम तड़का लगाएंगे इडली में, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 टीस्पून गरम करने पर तेल को मस्टर्ड सीड्स डाल दें, थोड़े से तिल डाल रही हूँ मैं, तिल यानी कि सजामे सीड्स, या ऑप्शनल है। ये ग्रीन चिली और करी पत्ता है, तड़का तैयार हो गया हमारा।
तो देखिए सरप्राइज ब्रेड अब आपकी रेडी हो चुकी है। इडली के ऊपर ब्रेड बीच में है, उसके ऊपर इडली का घोल है। कितना झटपट सूजी के संग हमने बनाया। मैं थोड़ा सा चाहे तो आप रेड चिली स्प्रिंकल कर सकते हैं। और नीचे आलू का मसाला है जो हमने बनाया है। बहुत ही शानदार लग रही है ये ब्रेड। तो देखिए ये आलू का मसाला, ये देखिए ये ऊपर इडली है इसमें और ये नीचे आलू का मसाला है। कितनी सुंदर और अच्छी लग रही है। सरप्राइज ब्रेड है, लोगों को लगेगा कि इडली आप सर्व कर रहे हैं पर एक्चुअली में ये इडली और आलू का मसाला आपने सर्व करा है। सो देखिए बन चुकी है। गेस्ट या अपने फैमिली मेंबर्स बच्चों को सरप्राइज दीजिए ये ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक बना के। सूजी और ब्रेड का इतना अच्छा नाश्ता। ये ब्रेड टिक्की की तरह लग रहा है। ये बिल्कुल हो गई एकदम क्रिस्पी टिक्की, ब्रेड टिक्की लग रही है इस साइड से और इस साइड से ये इडली है ऊपर से। ऐसा नाश्ता आपने कभी देखा नहीं होगा। सो बनाइए इसको, झटपट बनने वाला, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला नाश्ता। एंजॉय करिए विद दिस लवली मॉम। बिग थैंक्स टू हर। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं दोबारा।